नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और रूस को लेकर एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया के दौरे पर जाने वाले हैं 8 और 9 जुलाई को। दोस्तों, ये दो दिन का दौरा होगा और इसमें जो एग्रीमेंट होंगे और जो बातचीत होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत होने जा रही है। दोस्तों, ये समझ लीजिए भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। स्पेशली इसमें जो भारत के लिए चीज़ आ सकती है, जो अच्छी खबर, वो भारतीय एयरफोर्स के लिए आ सकती है। दरअसल दोस्तों, इसमें न्यूज़ ऐसी है कि भारत और रशिया इंडियन एयरफोर्स को सुखोई SU-57 खरीदने पर बातचीत हो सकती है, इसी पर बातचीत होगी। तो एयरफोर्स के एक अधिकारी ने ये बताया कि भारत रूस का SU-57 खरीदने में इच्छुक है, उसको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। और आपको बता दें कि ये जो सुखोई, ये जो SU-57 है, ये 5th जनरेशन का बहुत ही एडवांस लेवल का फाइटर जेट है और भारत इसको ख़रीदने के लिए बातचीत करने जा रहा है रूस के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 2019 में रूस की यात्रा पर गए थे और उसके बाद से अब जा रहे हैं, और दोनों ही देश इस पर बात कर सकते हैं और वहाँ पे इस डील को फाइनल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सुखोई, ये जो SU-57 है, ये इतना ज़्यादा एडवांस है। आपको इसके बारे में अगर बताएं तो ये 1999 में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया था और इसका जो डिज़ाइन है वो 2009 में अप्रूव हो गया था, यानी कि 10 साल बाद। फिर दोस्तों, इसका नाम उस वक्त T-50 हुआ करता था, इसका जो कोड नेम है। फिर इसको 2017 में इसका नाम चेंज किया गया और SU-57 कर दिया गया। इसको करने के बाद इसी फिर जब प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट हुई तो इसके 32 मॉडल बना लिए गए, 32 पीसेस। अब 32 बन चुके हैं, उसमें भी 10 टेस्टिंग के लिए हैं और 22 जो हैं वो पूरी तरह से ऑपरेशनल है। अब आपको बता दें कि दोस्तों, ये जो है सुखोई, ये जो 57 एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, ये इसमें डबल इंजन लगे हुए हैं और ये स्टल टेक्नोलॉजी का है। अब आप ये समझ लीजिए कि भारत की जो एयरफोर्स है वो दुनिया में 4th नंबर पर सबसे अच्छी एयरफोर्स मानी जाती है, और जो 4th नंबर की एयरफोर्स है उसके पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट है ही नहीं। हमारे पास जो सबसे अच्छा फाइटर जेट हमारे पास है इस वक्त, वो है राफेल। सोचिए, वो भी 5th जनरेशन नहीं है, वो उसको आप 4.5 जनरेशन बोल सकते हैं, क्योंकि राफेल में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है और 5th जनरेशन में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को ही काउंट किया जाता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि हमारा जब फाइटर जेट अगर कहीं पर भी जाएगा, किसी भी दुश्मन के क्षेत्र में भी चला जाए, तो उसके रडार इसको पकड़ ना पाए। यानी कि ये समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान के ऊपर भेज दिया गया तो पाकिस्तान के ये सिर पर चला जाएगा एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, और वहाँ पे जो रडार लगे हैं वो इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो जब उसको पकड़ नहीं पाएंगे तो ये अपना कुछ भी जाके वहाँ पर कर सकता है, एक मतलब अटैक कर सकता है। तो ये चीज़ होती 5th जनरेशन फाइटर जेट में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, भारत के पास सोचिए एयरफोर्स तो अच्छी है लेकिन उसके पास ऐसा फाइटर जेट नहीं है, जबकि हमारा जो दुश्मन चीन है वो भी J-20 उसका बना हुआ है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट है। और इसके बाद आपको बता दें कि टोटल जो दुनिया में 19 कंट्री हैं जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट को यूज करते हैं, जिसमें कि एक तो चाइना हो गया जो यूज करता है, एक रसिया हो गया, इसके बाद बाकी जो देश हैं 17 और हैं जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं। लॉकेट मार्टिन एक कंपनी है अमेरिका की, उसने बनाए हैं और उसके बनाए हुए बाकी देश 17 देश जो हैं वो यूज़ करते हैं 5th जनरेशन के फाइटर जेट। तो ये तो दोस्तों रही बात फाइटर जेट की। अब आपको बता दें कि ये भारत के लिए आखिर कितना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हमारा दुश्मन अगर चीन जैसा हो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फाइटर जेट हो। अब क्योंकि फाइटर जेट उसके चीन के पास है और फाइटर जेट
पाकिस्तान के पास है। हालांकि पाकिस्तान के पास फिफ्थ जनरेशन का नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास F-16 है। F-16 बहुत ही अच्छा फाइटर जेट है जो अमेरिका ने प्रोवाइड कर रखा है पाकिस्तान को। तो F-16 का अगर मुकाबला करना है तो दोस्तों हमारे पास कुछ तो अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने एयरफोर्स को नई ताकत दें, कुछ अच्छी ताकत दें। तो वो SU-57 के थ्रू हम दे सकते हैं। अब ये समझ लीजिए कि भारत के पास S-400 है जो डिफेंस सिस्टम है, और जो SU-57 है ये एक फाइटर जेट है, उड़कर जाकर अटैक करेगा। तो जब इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनेगा, एक डिफेंस करेगा और एक अटैक करेगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा लीथल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डेडली हो जाएगा, बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगा ये दुश्मनों के लिए। ये दोस्तों भारत के लिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। ये भारत की जो सिक्योरिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ा देगा। एक तो हमारी डिफेंस करेगा और दूसरा हमारा लिए अटैक करेगा। तो इससे हमारे जो दुश्मन है जैसे चीन है, पाकिस्तान, इनके लिए दहशत आएगी। ये कभी भी हमला करने से पहले सोचेंगे कि भारत के ऊपर ऐसे हमला करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर भारत के ऊपर हमले करेंगे तो भारत उनको उनके हिसाब से ही जवाब देगा। तो दोस्तों अब इस पर डेवलपमेंट और आएगी जब भारत के प्रधानमंत्री रूस पहुंच जाएंगे, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।